बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कोकोनट लड्डू। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत इजी है और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। इसको बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो है एक प्याली पिसा हुआ खोपरा और आधी प्याली पिसी हुई चीनी चाहिए और एक प्याली मुझे खुश्क दूध चाहिए। और दोनों चीज़ें जो दूध और खोपरा है ये एक जितनी है। लिक्विड दूध मुझे उबला हुआ ठंडा 6 टेबल स्पून चाहिए। इसके अलावा मुझे गार्निश करने के लिए कुछ बादाम चाहिए, थोड़े से बादाम। आप किशमिश, काजू, बादाम किसी और भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं लड्डुओं को। एक बाउल ले लें और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा, साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क पाउडर, खुश्क मिल्क पाउडर, और ये मैं पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप अगर चीनी के बग़ैर बनाना चाहते हैं ये लड्डू, तब भी बहुत मज़े के शुगर फ्री लड्डू बनते हैं और तब भी ये थोड़े मीठे मीठे होते हैं क्योंकि खुश्क दूध में मिठास होती है। अच्छी तरह से आपने इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। चीनी से ये बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं, तो जो लोग डाइट पर हैं और जो लोग मीठा इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते वो चीनी के बग़ैर भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ये लिक्विड दूध जो है इसमें शामिल करूँगी और इसकी एक डो तैयार कर लूँगी। याद रखें कि जो डो है वो इतनी स्टिकी, इतनी चिपकने वाली ना हो। आपकी डो थोड़ी खुश्क खुश्क होनी चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा चिपकने वाली स्टिकी डो तैयार होगी तो वो फिर लड्डू इतने फर्म, इतने अच्छे नहीं बनेंगे। ज़रा नरम, बहुत ही नरम नरम से लड्डू बनेंगे। तो मैं इसमें मैंने 6 टेबल स्पून दूध शामिल कर लिया है और उसके बाद मैंने इसमें 2 टेबल स्पून और दूध शामिल किया है। और आप भी मज़ीद दूध शामिल कर सकते हैं इसमें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ये देखें, सख्त डो तैयार हो गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डो थोड़ी सी नरम हो गई है, थोड़ी सी लेकिन ज़्यादा नहीं। अब मैं थोड़े थोड़ा सा ये मिक्सचर लेकर और लड्डू की शक्ल दे लूँगी और ये मेरे कोकोनट के लड्डू जो हैं तैयार हो गए हैं। ये देखें कितनी अच्छी इसका टेक्सचर है और राउंड शेप आप इसे इस तरह से दे लें। देखें, फिर से मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि डो इतनी स्टिकी नहीं होनी चाहिए वरना लड्डू आपके टूट जाएंगे और गोल शेप नहीं बनेगी। ये देखें कितने फर्म और अच्छी शेप में आए हैं। कोकोनट के लड्डू तैयार हैं और अब मैं इन्हें बादाम से गार्निश कर रही हूँ। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।